आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है NVSP। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, तो आपको उसमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे सफलतापूर्वक NVSP की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लॉगिन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के उसमें लॉगिन वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे सफेद बॉक्स के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स, तो आपको उसमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक दिखाई दे रहा होगा फॉर्म 6B, तो आपको उसमें क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म 6B हमारे सामने खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टेट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आपको उसको चेक कर लेना है। फिर आपको नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। फिर उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एक बार जांच लेनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एपिक नंबर, जो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है। और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे अंकित कर ली है। अब हम पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी अन्य जानकारी यहाँ पे अंकित करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे आधार की डिटेल्स यहाँ पे अंकित करनी है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे अंकित करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे जगह अंकित करनी है जहाँ पे आपका घर स्थित है, और फिर आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आप फिर आपको यहाँ नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम यहाँ पे इसको अंकित कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे अंकित कर ली है। तो आपको अब नीचे दिखाई दे रहा होगा एक प्रीव्यू वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन में क्लिक करने के बाद आपकी जितनी आपने पूरी जानकारी यहाँ पे अंकित कर ली है, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी एक बार जांच लेना है। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक सबमिट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। चलिए हम इसमें क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट हो चुका है NVSP की साइट पर, और यहाँ पे हमें एक रेफरेंस आईडी दे रखी है, जो जिसे हम ट्रैकिंग आईडी भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करें, तो आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे रेफरेंस आईडी यहाँ पे मिली है, तो आपको यहाँ पे अंकित करना है और ट्रैक स्टेटस वाले बटन क्लिक कर देना है। चलिए अब इतना कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म था यहाँ पे सफलतापूर्वक है सबमिटेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगला चरण ये होगा कि जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारा जो एक्सेप्टेड वाला यहाँ पे हरा हो जाएगा, और नीचे हमारे यहाँ पे फॉर्म डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि किस तरह NVSP की साइट पर आकर हम वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।